कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगे हैं। फरुखाबाद में एक बार फिर कोरोना की दस्तक से हड़कंप मच गया है। केरल से अपने गांव देवराज गड़िया वापस आए 8 लोगों के कोरोना संक्रमित मिलने से जिले में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग ने आनन फानन में संक्रमित पाए गए मरीजों को सुरक्षित तरीके से फतेहगढ़ स्थित L2 हॉस्पिटल में क्वारंटाइन किया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम देवरान गड़िया गांव को सैनिटाइज किया गया है। DM ने मामले को गंभीरता से लेते हुए CMO को निर्देशित किया कि संक्रमित मरीज का इलाज कराया जाए और गांव में अन्य लोगों को भी सैंपल मिल जाए और लक्षण मिलने पर क्वारंटीन कराया जाए ताकि संक्रमण अधिक ना फैल सके। कोविड के 2 केस होने की जानकारी मिली है जो कि केरल के निवासी थे। 2 माह से केरल में रह रहे थे, वहां पे कार्य कर रहे थे। अभी केरल से वो लोग अपने घर को वापस आ रहे थे। आगरा में उनकी 29 तारीख को जाँच हुई जो कि 30 को पॉजिटिव निकली और वो होम आइसोलेशन में थे। अभी उनके घर के 12 सदस्यों को L2 हॉस्पिटल कोविड में शिफ्ट कराया गया है फतेहगढ़ में और वहाँ पे आसपास के लोगों की RT-PCR जांच कराई गई है जिसके रिपोर्ट आने अभी बाकी है। पेशेंट 2 ही पॉजिटिव निकले हुए हैं, केरल से आए हुए हैं। आगरा में इनकी जांच हुई थी, वहाँ RT-PCR ये पॉजिटिव पाए गए हैं। रंजीत और सुदामा पति पत्नी हैं, 2 बच्चे इनके साथ आए हुए हैं। लेकिन यहाँ इनके पूरे परिवार के दौरान गड़िया में सैंपलिंग करा ली गई है और DM साहब के आदेश अनुसार इन पूरे परिवार को इनको L2 कॉस्मेटिक CSC पे इनको शिफ्ट करा दिया गया है। तो क्या लग रहा है और मरीज बढ़ने की संभावना है क्या गांव में? फिलहाल तो नहीं, अभी कल ही लोग आए हुए हैं तो इनके सब पूरे घर में कहीं बैठने उन्हें रहा नहीं। वो पहले से जागरूक था तो वो पहले से होम आइसोलेशन में था, सेपरेशन में अलग, तो फिर भी एहतियात बतौर सबको वहाँ कर दिया गया है। कितने लोगों की संख्या कितनी है? सब लोगों की संख्या पूरे परिवार की है 14 लोगों की। मतलब 14 लोगों को यहाँ कहाँ भर्ती कराया गया? 12 लोगों को CSC में भर्ती किया गया है। 2 लोगों की सैंपलिंग करा के उनके भाई और उनके पिताजी को घर पे जानवरों की देखभाल के लिए रखा गया है कि कहीं बाहर नहीं घूमेंगे, अपने घर पे रहेंगे। सैंपलिंग उनकी हो गई है। आप जो कहाँ से पेशेंट लेके आए? देवरान गड़िया से ले आए हूँ। देवरान गड़िया से? ये काय के पेशेंट हैं? ये कोविड के पेशेंट हैं। कोविड के 3 दिन पहले ये केरल से आए हुए हैं। केरल से जी। तो आपको ये सूचना मिली थी? अब ये फिलहाल तो ठीक है लेकिन इनका RT-PCR आने की रिपोर्ट बाकी है और इनको जो हमारे प्रभारी साहब हैं मिस्टर सौरभ चौहान ने उनके द्वारा सूचना मिली। मैं एम्बुलेंस EMT हूँ, यहाँ से लेके इनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए जा रहा हूँ। तो ये कितने लोग हैं टोटल? ये लोग इस गाड़ी में 5 लोग हैं और आने आए बाकी।